और 132 चंद्रमा होते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक युग है। आज के वैज्ञानिक युग के जो साइंटिस्ट वगैरह वो कहेंगे कहाँ होते होंगे, इतना को विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारे जिनवाणी जिनवाणी माता हमने जो कुछ कहा है उस पर तो विश्वास करना ही होगा। हमारे शास्त्रों में पूरा इसका वर्णन आया हुआ है, तो जो जिनवाणी की बात है इस पर को विश्वास करना ही होगा। अगर जिनवाणी की बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाएंगे। हमें जिनेंद्र देव के वचनों पर संदेह नहीं करना है। जो कुछ कहा है सभी कुछ सत्य ही कहा है, कोई झूठ इसमें नहीं कहा है। कहते हैं कि जिनवाणी की बात पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाएंगे। क्या है, एक अक्षर भी हीन बोले लिखा आगम प्रमाण, एक अक्षर भी हीन बोले लिखा आगम प्रमाण, घोर मिथ्या दृष्टि हो मरणकंडिका जान। मरणकंडिका ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर जिनवाणी में लिखा हुआ लिखी हुई जो बात है उसमें अगर एक अक्षर भी इसने घटा बढ़ा के बोल दिया, अपनी मत के अनुसार अपनी परंपरा के अनुसार अगर बोल दिया, वो मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएगा। इसलिए हमें जिनवाणी की बात पर तो विश्वास करना ही होगा। इसलिए कहते हैं कि लोग व्यवहार में हम कहते हैं एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, लेकिन वे एक नहीं है, ये अनेकों अनेक सूर्य चंद्रमा है। ये तो जायदीप की बात हुई, जायदीप में 132 सूरज और 132 चंद्रमा है, लेकिन इसके आगे भी इसकी संख्या बढ़ती 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 हुई जाती है। इस बात पर हमें विश्वास करना है। इसलिए कहा है कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहां से होए। तो कहा कि धर्म एक शब्द है लेकिन इसको धारण करने वाले, इस धर्म को कहने वाले, इस धरातल पर अनेक जीव हैं। एक हिंदू भी कहता है धर्म, एक मुसलमान भी कहता है धर्म, एक सिख भी कहता है धर्म, ईसाई भी कहता है धर्म, हम भी कहते हैं धर्म, आप भी कहते हैं धर्म, सभी कहते हैं धर्म धर्म धर्म, लेकिन आखिर में ये धर्म है क्या चीज, इस पे कभी चिंतन किया, इस पे कभी मनन किया नहीं। चिंतन और मनन करने का हमारे पास में समय नहीं है, चिंतन मनन करने का समय नहीं है। हम प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं और अपने व्यापार के लिए चले जाते हैं, दिन भर व्यापार करते हैं और रात में देरी से आते हैं और खाना पीना करते हैं, और सो जाते हैं, यानी खाते खाते सोए और उठते ही भी खाना शुरू। हमें धर्म कर्म का चिंतन करने का समय नहीं है, ये कमाने की होड़ लगी हुई है। क्यों, अगर हम धर्म में समय दे देंगे, अगर हम मंदिर जा करके भोजन करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, हमारा समय वो व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, हम मंदिर जाएंगे। ऐसी सोच होती है, ऐसी सोच किसकी होती है, धर्मात्माओं की नहीं होती है, ये मिथ्या दृष्टि जीवों की सोच होती है कि हम अगर आधा घंटा मंदिर के लिए जाएंगे तो दुकान है वो हमारी आधा घंटा देरी से खुलेगी, तो आधे घंटे में जो कमाई होनी है वो कमाई हमारी कम हो जाएगी। ये संग्रह दृष्टि इंसान, धर्मात्मा इंसान ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन कौन सोचेगा, वो अधर्मात्मा इंसान होता है, वो ऐसा सोचेगा और इसी सोच में वो मंदिर नहीं जाता है। बस देरी से उठना, देरी से सोना, उठते ही खाना पीना किया, दिन भर दुकान चलाई, रात में आए खाना पीना किया और सो गए। ये वास्तव में ये इंसानियत नहीं है, ये वास्तव में मानव की जिंदगी ये नहीं है। मानव की जिंदगी तो वही है जो धर्म करते हुए अपना धन कमाए, वही वास्तव में जिंदगी है। धन कमाना श्रावक के लिए आवश्यक है, ये बात नहीं कि आप ग्रस्त हैं कि धन मत कमाओ, धन कमाना जरूरी है, क्योंकि इस धन कमाएंगे तभी दान करेंगे, धन कमाएंगे तभी दान होगा और धन से ही धर्म भी चलता है। लेकिन हमें उस धन के पीछे नहीं पड़ना है, ध्यान रखना, धन के पीछे नहीं पड़ना है। पुरुषार्थ कितने बताए कोई, चार पुरुषार्थ बताए हैं,
कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ पता है। तो सबसे प्रथम किसे रखा गया है? धर्म, अर्थात सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ है, और सेकंड नंबर में लिया है कौन सा लिया है? अर्थ, अर्थात संपत्ति कमाना। तो ये पुरुषार्थ कहते हैं कि धर्म करते हुए धन संपत्ति कमाओ, धर्म करते हुए धन संपत्ति कमाओ, धर्म को छोड़कर के धन संपत्ति नहीं कमाना है, क्योंकि ये धन संपत्ति तो यहीं पर छूट जाने वाली है, लेकिन हमें जो धर्म किया है वो ही साथ में आने वाला है, बाकी कोई साथ में आने वाला नहीं है। जीवन का ना कोई भरोसा, जीवन का ना कोई भरोसा, पंछी कब उड़ जाए, जीवन का ना कोई भरोसा, पंछी कब उड़ जाए। जीवन में जो धर्म किया वही तो काम आए, जीवन में जो धर्म किया है बस वही काम आता है, बाकी सब यहीं पर पड़ा रह जाता है। तो इसीलिए कहा है कि एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कहते हैं धर्म धर्म धर्म, लेकिन ये धर्म आखिर में है क्या चीज, इसके बारे में हमने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, ये चिंतन मनन करने का हमारे पास में समय नहीं। तो बंधु, अगर इसका चिंतन मनन करने के लिए हम समय नहीं निकालेंगे तो हम जहाँ पर हैं वहां से ऊपर की ओर उठ नहीं पाएंगे। जब इंसान ऊपर नहीं उठेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। जब ऊपर नहीं उठेगा अभी कहीं तो जाएगा ना, इस धरातल पर तो नहीं रहेगा ना, कोई अमर फल खा के आया क्या? कोई अमर फल खा करके नहीं आया है, एक न एक दिन सबको जाना है। तो जो इंसान ऊपर उठने का कार्य नहीं करता है उसको एक न एक दिन नीचे की ओर जाना पड़ेगा, वो नरक और निगोद का पात्र होगा। इसलिए इस धर्म के बारे में हमें सोचना है, चिंतन करना है कि वास्तव में यह धर्म है क्या चीज। चलिए, आपके पास में समय नहीं है, हमारे पास बहुत समय ही समय है, हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या चीज है। कहते हैं, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। कहते हैं ना कि सूरज निकले तब दिन है, सूरज निकले तब दिन है वरना कोरी रात, और धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। धारण करे यानी धर्म को जीवन में धारण करना है, वही धर्म है। जीवन में धर्म नहीं तो जिंदगी तेरी बर्बाद है, यानी धर्म कहने की चीज नहीं है, धर्म को अपने जीवन में उतारने की चीज है। जब तक धर्म को हम धारण नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें इस धर्म को धारण करना है और आगे बढ़ना है, और इसी प्रकार हमें हर क्षेत्र में इस धर्म क्षेत्र में आना है। जब तक धर्म क्षेत्र में नहीं आएंगे, धर्म क्षेत्र में अपने आने के भाव नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम पुण्य को नहीं कमा सकेंगे, और जब तक पुण्य में हमारी वृद्धि नहीं होगी, जब तक हम अपना पुण्य नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें इस धर्म के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना है, क्योंकि यही धर्म है वो जीव को ऊपर उठाता है, क्योंकि धर्म कभी जीव को गिराता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि चल आ जा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, चल आ जा रे भैया, क्या क्या, चल आ जा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, चल आ जा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, कोई नहीं तेरा है तो किसको कहता है मेरा, चल आ जा रे भैया, चल आ जा रे भैया। तो क्या, चल आ जा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, कोई नहीं तेरा है तो किसको कहता है मेरा, कहता है तो मेरा मेरा मेरा, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है, तेरा है तो बस एक धर्म ही तेरा सहारा है, अंत में ये धर्म ही तेरी शरण है और कोई तेरी शरण नहीं है,
इसलिए हमें इस धर्म की नाव पर पैर रखना है और अधर्म की नाव से पैर को हटाना है। धर्म की नाव अर्थात लकड़ी की नाव और अधर्म की नाव अर्थात पत्थर की नाव। तो हमें उस पत्थर की नाव जो अधर्म के समान है उसे छोड़ना है और जो लकड़ी की नाव है जो धर्म के समान है उस धर्म की नाव पर हमें पैर रखना है। ये नाव स्वयं चलेगी और सबको उतारेगी और सबकी आत्मा का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले आचार्य बोले स्वामी वासुदेव पूज्य सागर जी महाराज की, बोले हिंसा परमो धर्म की।